गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट के बारे में कि मेजरमेंट में क्या क्या चीज़ होती है, मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट में कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उसके अंदर मेजरमेंट में इंस्ट्रूमेंट्स का क्या क्या यूज होते हैं, तो वो सारी बातें। और कंपटीशन में जिन्हें ये पूछा जाता है कि मेजरमेंट में आप PMMC का यूज है या MI टाइप इंस्ट्रूमेंट का यूज है, वो AC पे करते हो या DC के ऊपर, ये चीज़ें मेजरमेंट के अंदर है। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं मेजरमेंट की, तो मेजरमेंट क्या चीज़ है। तो स्टूडेंट जैसे कि नाम से पता है मेजरमेंट का मतलब है मापन। मापन में हम क्या करते हैं, क्या मतलब होता है मापन का, और यहाँ इस टेक्निकल सब्जेक्ट में मेजरमेंट में मतलब कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, जैसे लीटर है या किलोमीटर है, वो ही मेजरमेंट वहाँ पे है, वो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। जैसे हम किसी द्रव का मेजरमेंट करते हैं तो वो लीटर में करते हैं, उसके मेजरमेंट करने का तरीका ये होता है, अपने पास एक बर्तन होता है। ऐसे ही अपने दूरी का मापन करते हैं, ठीक है, मीटर में किलोमीटर में, तो वो वहाँ पे एक अपने पास होता है मेजरमेंट करने के लिए, अपने पास फीता या टेप होता है, वो मेजरमेंट करता है। लेकिन यहाँ अपने पास है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। हाँ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। और ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज क्या क्या है, जैसे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है मेरे पास है वोल्टेज, एम्पियर यानी करंट, फ्रीक्वेंसी, पावर, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस। तो ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है। इन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का जो मेजरमेंट है या जो मैग्नीट्यूड है वो मापना मेजरमेंट कहलाता है। ये इलेक्ट्रिकल का मेजरमेंट है, इसलिए ये इक्विपमेंट काम में लेते हैं हम, जैसे मीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, पावर फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया, वो तो ये सारे मेजरमेंट में आते हैं। तो मेजरमेंट का मतलब होता है मापन, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज का मापन, जैसे वोल्टेज करंट ये, और इनको मापने वाले, इनका मेजरमेंट करने वाले मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। अब ये मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप्स के होते हैं, ये मेनली दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी। अब प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है, जनरली मैं बता देता हूँ कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट जो केवल जो क्वांटिटीज है इलेक्ट्रिकल की उसका, उसकी प्रेजेंस दिखाती है, उसका मापन नहीं करती, उसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड नहीं बताती कि ये इतने एम्पियर है, इतने वोल्ट है, वो सिर्फ ये प्रेजेंस दिखाती है कि हाँ ये यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मौजूद है। जैसे मान लो मैग्नेट है, मैग्नेट क्या दिखाएगी, मैग्नेट डायरेक्शन दिखाएगी, वो प्रेजेंस दिखाएगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। या एक आता है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, वो ये बताता है कि यहाँ करंट है और उस करंट की डायरेक्शन ये है, वो उसका मैग्नीट्यूड नहीं बताती, इसलिए ये क्वांटिटी कहलाती है इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं प्राइमरी या एब्सोल्यूट, ठीक है, जैसे मैग्नेट है। अब जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेजेंस के साथ साथ उसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड भी बताते हैं कि ये इतने एम्पियर है, ये इतने वोल्टेज है या इतनी पावर है, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। वो जैसे अमीटर हो गया, अमीटर क्या करता है, करंट की प्रेजेंस भी दिखाता है और उसका मैग्नीट्यूड भी बताता है कि वो कितने एम्पियर मैग्नीट्यूड है, तो अमीटर। वोल्टमीटर या और भी इंस्ट्रूमेंट है वो कहलाते हैं सेकेंडरी। तो इट्स मीन स्टूडेंट यू हैव अंडरस्टूड द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट दोज इंस्ट्रूमेंट वो कैलकुलेट ओनली प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट दोज इंस्ट्रूमेंट हु मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। ये प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर मेन डिफरेंस है। तो अब स्टूडेंट हम फर्दर बात करते हैं कि इस सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तीन टाइप के कौन कौन से हैं, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ आपको याद करनी जरूरी है, कंपटीशन में एक क्वेश्चन आता है जनरली और आता भी यहाँ से है,
ये जो हमारे पास ये जो फंडा है इंटीग्रेटिंग का, वो क्वेश्चन इस तरीके से देता है कि के डब्ल्यू एच मीटर क्या है, इंटीग्रेटिंग है या रिकॉर्डिंग है या इंडिकेटिंग है, रिकॉर्डिंग है या इंटीग्रेटिंग है। तो कंपटीशन में ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? के डब्ल्यू एच मीटर, या जिसको हम बोलते हैं एनर्जी मीटर, जो घरों में लगता है। तो स्टूडेंट्स, घरों में लगने वाला जो एनर्जी मीटर है वो क्या है? वो एक प्रकार का इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। कि इंडिकेटिंग, पहले मैं इसका बता देता हूँ, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो कोई भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। जैसे अमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, अमीटर, वोल्टमीटर, नॉर्मली सारे इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि हाँ ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो दर्शाना इसको, और ये इसका इंडिकेटर कहलाता है। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इसका पैमाना कहलाता है, स्केल या पैमाना जिसको आप बोल सकते हो। ये स्केल होती है, जीरो से जितने एम्पियर तक, 5 एम्पियर तक है तो 5। ये स्केल भी क्या है, दो टाइप की होती है, एक यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि वो स्केल जिसमें सारे लगभग जो खाने बने हैं वो इक्वल हो, वो यूनिफॉर्म स्केल कहलाती है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक सेम डिस्टेंस हो बीच में, सेम गेप हो, यूनिफॉर्म। और दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म स्केल। वो नॉन यूनिफॉर्म स्केल कौन सी होती है कि जैसे यहाँ 3 तक तो ऐसे चल रहे हैं, फिर धीरे धीरे संकुचित होने लग जाएंगी, बिल्कुल ऐसे कंप्रेस, यानी यहाँ शुरू में थोड़े बड़े बड़े, लास्ट में थोड़े कंप्रेस्ड स्केल हो जाएगी, वो नॉन यूनिफॉर्म स्केल होती है। ये स्केल, ये इंडिकेटर होता है, ये इंडिकेट करता है कि हाँ जो क्वांटिटीज आ रही है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ये तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है वो इंडिकेट करते हैं, वो जैसे एमीटर, वोल्टमीटर। उसके बाद में रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी उन्होंने दिखाई है उस टाइम उसका रिकॉर्ड भी करते हैं कि ये कितने वोल्ट है या कितने एम्पियर है, फिर अगले टाइम पे फिर उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर अगले टाइम पे फिर रिकॉर्ड कर लेंगे, वो इंस्ट्रूमेंट कहते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे 5 बजे इसकी जो करंट चल रही थी 1 एम्पियर, ठीक है, 6 बजे चल गई 2 एम्पियर, ऐसे वो रिकॉर्ड कर लें। ये जैसे रिकॉर्डिंग एमीटर हो गया, रिकॉर्डिंग वोल्टमीटर हो गया, ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, तो ये कहलाते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तीसरे इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि पूरे टाइम का रिकॉर्ड अवेलेबल रहता है। वो इंस्ट्रूमेंट जो क्या करते हैं, जो लास्ट 24 आवर्स या 1 वीक या 1 मंथ, उस पूरे का रिकॉर्ड करके, टोटल कैलकुलेशन करके रखते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेट मतलब पूरी जो रिकॉर्ड है वो उसका रिजल्ट कैलकुलेशन निकाल के रखना, वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। जैसे केडब्ल्यूएच मीटर, ये केडब्ल्यूएच मीटर या किलोवाट मीटर या घरेलू जो मीटर होता है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, इंटीग्रेटिंग। वो क्या करता है, हमारे हर महीने की या हर डे की जो कैलकुलेशन है वो किए रखता है, क्योंकि उसके अंदर जो वाट होते हैं, ये वाट इनटू टाइम्स, उसके साथ मल्टीप्लाई होकर वो टोटल यूनिट तैयार करता है, इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट के क्या कहलाते हैं, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन मेजरमेंट।